हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि क्लास टू के बच्चों को हम इंग्लिश में क्या क्या और किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट वर्कशीट है फिल इन द मिसिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स की हेल्प से हम बच्चों की वोकैबुलरी पर काम कर सकते हैं। बच्चों को आप वोकैबुलरी सिखाएं, जो भी वर्ड्स उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं उन वर्ड्स की प्रैक्टिस आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कराएं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाए हैं जहाँ पर बच्चों को करेक्ट वॉवल्स फिल करते हुए, करेक्ट कॉन्सोनेंट फिल्स करते हुए इन वर्ड्स को कम्प्लीट करना है। जैसे ये बोट की इमेज है, तो यहाँ पर हम कौन सा लेटर फिल करेंगे? BOAT, ओ और यहाँ पर ए। तो इस तरीके से हम वॉवल लेटर फिल करके बोट की स्पेलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो BOAT बोट। मून, MOON मून। लोटस, LOTUS लोटस। फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। जिराफ, GIRAFFE जिराफ। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीट दी सेंटेंसेस विथ ए एंड द। यहाँ पर बच्चों को आप आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आर्टिकल्स यदि आप बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से इसे समझ सकेंगे और उनकी मिस्टेक्स बहुत ही कम होगी। तो कैसे हमें आर्टिकल सिखाना है? आर्टिकल्स में आप बच्चों से कहें कि ए उन्हें कब लगाना है, जब भी वो वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं और अगर वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो उस वर्ड के आगे उन्हें ए लगाना है। अगर कोई वर्ड वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और यदि उसका फर्स्ट साउंड वॉवल का आता है तो उस वर्ड के आगे उन्हें एन लगाना है। और द हम कब लगाते हैं? स्पेसिफिक चीज के लिए, या फिर यदि हम किसी चीज के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं तब भी हम द लगाते हैं। तो स्पेसिफिक यूनिक चीज के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पायलट फ्लाइज डैश एरोप्लेन। एरोप्लेन जब हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट साउंड ए आ रहा है, यानी कि वॉवल का आ रहा है, तो इसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल ए एन, एन एरोप्लेन। वी सॉ डैश वेल। वेल बोलते समय फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? व, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे लगेगा आर्टिकल ए। और इसी वेल के बारे में हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा आर्टिकल द। वी सॉ अ वेल, द वेल वॉज ह्यूज। ठीक है, हियर इज डैश ऑरेंज। ऑरेंज हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? ओ, जो कि एक वॉवल का साउंड है, तो इसके आगे लगेगा एन ऑरेंज। और इसी ऑरेंज के बारे में अगेन हम बात कर रहे हैं तो इस ऑरेंज के लिए हम द लगाएंगे। द ऑरेंज इज स्वीट। अर्थ एक है, स्पेसिफिक है, तो इसके लिए भी हम द लगाते हैं। द अर्थ, द सन, द मून। ओके, तो यहां पर भी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो इस तरह से यदि बच्चे आर्टिकल्स सॉल्व करते हैं तो वो आर्टिकल्स में कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। यहां पर कुछ और आर्टिकल्स की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। जैसे एंट। एंट बोलते समय फर्स्ट साउंड आ रहा है ए, यानी कि वॉवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन लगेगा, एन एंट। एन आइसक्रीम, ए स्नेल। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का फर्स्ट लेटर यू है जो कि एक वॉवल है, पर इसका जो साउंड है वो क्या आ रहा है? य का साउंड आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहां पर हम लगाएंगे आर्टिकल ए, ए यूनिफॉर्म। सन और अर्थ दोनों के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। द सन, द अर्थ। नेक्स्ट वर्कशीट इज मैश द कॉमन नाउन विथ स्पेशल नाउन्स। यहाँ पर एक तरफ कॉमन नाउन लिखे गए हैं और एक तरफ स्पेशल नाउन है, इसे बच्चों को रीड करना है और स्पेशल नाउन के साथ इसे मैच करना है। जैसे कॉमन नाउन में फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? बुक, तो बुक मैच हो जाएगा पंचतंत्र के साथ, तो बुक को हम पंचतंत्र के साथ मैच करेंगे।
बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन, कार्टून कार्टून के लिए स्पेशल नेम क्या है, टॉम एंड जेरी, सिटी लंदन, माउंटेन हिमालय, रिवर नर्मदा। ओके, तो इस तरफ के जो नाउन्स हैं ये है कॉमन नाउन जो कि कोई भी हो सकते हैं, पर अगर इसे हमने कोई नाम दे दिया तो वो हो गया हमारा स्पेशल नेम यानी कि स्पेशल नाउन। तो इस तरह से बच्चों को कॉमन नाउन स्पेशल नाउन के साथ मैच करके आप दोनों के बीच में बच्चों को डिफरेंस सिखा सकते हैं। कलर द करेक्ट प्रोनाउन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर हम फर्स्ट रीड करेंगे द डॉग रेन अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर किसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, द डॉग के नीचे। तो द डॉग की जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन इट। समीर फॉरगेट टू ब्रिंग हिज फोल्डर। समीर बॉय है तो बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, प्रोनाउन ही। डेट रिया एंड राज अटेंड द कॉन्सर्ट। यहाँ पर रिया एंड राज के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कोई और है और एक से ज्यादा है, तो इस केस में हम प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम दे को कलर करेंगे। मिसेस शाह इज बेकिंग कुकीज। तो यहाँ पर मिसेस शाह लेडीज है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम प्रोनाउन शी लगाते हैं, तो यहाँ पर शी को कलर किया जाएगा। सो इस तरह से जब हम किसी एनिमल थिंग के बारे में बात करते हैं तब हम प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल होता है। जब हम दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं और वो कोई और है तब हम प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने और किसी और के बारे में बात करते हैं तो प्रोनाउन मी का इस्तेमाल होता है, और फीमेल के लिए प्रोनाउन शी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम प्रोनाउन के टॉपिक अपने बच्चों को बहुत ही सिंपल और आसानी से सिखा सकते हैं। राइट द करेक्ट पोजीशन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स दिए गए हैं, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं ये जो बर्ड है ये बॉक्स के ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन। यहाँ पर जो बर्ड है ये बॉक्स के नीचे खड़ी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर। यहाँ पर बर्ड बॉक्स के ऊपर फ्लाई कर रही है तो यहाँ लिखा जाएगा प्रीपोजिशन ओवर। यहाँ पर दोनों बर्ड पास है तो इसमें लिखेंगे हम नियर। बर्ड बॉक्स के अंदर है तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इन द बॉक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन। यहाँ पर जो बर्ड है वो दोनों बॉक्स के बीच में खड़ी है तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड लिखा जाएगा, बिटवीन। ओके, तो इस तरह से पिक्चर्स की हेल्प से भी बच्चों को समझाने में आसानी होती है। नेक्स्ट वर्कशीट के थ्रू हम बच्चों को वर्ड्स पास्ट फॉर्म में लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे स्टडी, study, स्टडी, तो यहाँ पर वाई को हटाकर हम ied लगाएंगे। सेंड, सेंड का हो जाएगा पास्ट फॉर्म सेंट, sent। ग्रो, ग्रेव, gr-ew। से, सेड, said। टेक, टुक, took। गो का वेंट, went, वेंट। कम, कैम, came। मैरी, यहाँ पर भी वाई हटके ied आ जाएगा तो मेरी का हो जाएगा मैरिड। नेक्स्ट वर्कशीट इज यूज सुटेबल पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कॉमा। तो यहाँ पर बच्चों को हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं, जैसे आर स्कूल टीम वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क आ जाएगा, फुल स्टॉप। वी सॉ अ लायन, अ जिराफ, एन एलिफेंट एंड थ्री डियर इन द जू, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हम एक से ज्यादा एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तब हम कॉमा लगाएंगे। वी सॉ अ लायन कॉमा अ जिराफ कॉमा एन एलिफेंट एंड थ्री डियर, तो एन एलिफेंट के बाद एंड है तो यहाँ पर एन एलिफेंट के बाद कॉमा नहीं लगेगा,
अब हम लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. ठीक है. हुर्रे, वी डिड इट अगेन. तो यहाँ पर जब हम कोई वर्ड सरप्राइजिंगली यूज करते हैं तब वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. तो हुर्रे के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप. अहमद हैज पेट कैट्स, डॉग्स एंड फिश. यहाँ पर भी एक से ज्यादा एनिमल्स हैं. तो अहमद हैज पेट कैट्स कॉमा, डॉग के बाद एंड है इसीलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, फिश के बाद फुल स्टॉप का यूज होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास टू के बच्चों के लिए इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स जिसके थ्रू आप बच्चों को काफी कुछ सिखा सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.